केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा कि वे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच जा रहे हैं, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना आचरण किया और एक भी दिन सदन नहीं चलने दी। इस दौरान खटीक ने कई अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा की। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा कि वे भोपाल में अपने राजनीतिक जीवन की पहली प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नए मंत्रियों को दायित्व मिलने के बाद प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में उनका परिचय कराते हैं। विपक्ष ने इस परंपरा को रोका और सदन नहीं चलने दी। ओबीसी के 27 मंत्री बनाए गए थे। पीएम ने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया। जब संसद में मंत्रियों से परिचय का काम नहीं करने दिया गया तो वे इन मंत्रियों को जनता के बीच भेजने का फैसला लिया गया। सभी नए मंत्री अपने अपने राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच में जाकर लोकसभा विधानसभा को न चलने देने की हकीकत बता रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। ओबीसी आरक्षण के लिए राज्यों को शक्ति बहाल करने की तैयारी विधेयक के जरिए की गई। उन्होंने कहा, मंडल कमीशन की सिफारिशों को कांग्रेस ने कभी लागू नहीं करने दिया। ओबीसी आयोग ने संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस ने नहीं बीजेपी ने किया है। खटीक ने कहा, विपक्ष अपने दायित्वों से हटकर केवल शोर शराबे को ही अपनी जिम्मेदारी मान बैठा है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का फैसला जन भावनाओं से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के काम आम जनता के सामने हैं। केंद्र की योजनाओं ने जनता के दिलों में घर बनाया है। आजादी का जब हम 2047वां वर्ष की तरफ बढ़ेंगे, 100वां साल जब हम मनाएंगे, इस 100वें साल को जब हम मनाएंगे, आज जो कुछ संकल्प लिए जा रहे हैं, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जिन योजनाओं को बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है, 2047 में जब उस समय जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो जिन सिद्धियों का उल्लेख करेंगे, वो सारी की सारी सिद्धियां आज प्रारंभ करके और उसको संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम, उसको नींव को मजबूत करने का काम, उस सपने को साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से देश की जनता के सामने ये सारे रोडमैप को लेकर और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो हम लोग का कार्यक्रम बनाया गया है, पिछले दिनों हमारे संगठन के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस योजना को बनाया, वहां पर कार्यक्रम निर्धारित किए, मिनट टू मिनट के लिए प्रोग्राम बनाया गया और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जन आशीर्वाद यात्रा के संबंध में जानकारी देने के लिए मैं हम सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं और विश्वास करता हूं कि प्रगति की ओर इन बढ़ते कदमों में समाज के सभी वर्गों का, सभी का इसमें सहयोग आवश्यक है और हमारे मीडिया के मित्रों का भी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जो सोच है, उसको जन जन तक पहुंचाने में उसका, उन वर्ग के लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिले, इसमें आप सबका भी आने वाले समय में सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव से पहले ही सपा के सांसद ने उज्ज्वला योजना को गेम चेंजर बता दिया था। ये राजनीति बदलने वाली योजना है। 100 लाख करोड़ की नई योजना बनाई जा रही है। इससे आधारभूत और बुनियादी सुविधाओं में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कोविड-19 और उसके बाद जनता के लिए नई योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा, वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द शुरू करना भी केंद्र की कामयाबी है। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।